आदाब सलाम नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बेहतरीन और सबसे इजी सूप बनाने की रेसिपी जो है मशरूम से बनी। आइए इसके लिए देखते हैं क्या क्या हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बटर यानी कि मक्खन, साथ में हमें चाहिए एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक ग्लास दूध, एक पैकेट मशरूम बारीक कटे हुए, ये मशरूम होते हैं 200 ग्राम का एक पैकेट होता है, ये वो ही पैकेट है। साथ में जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज बिना हमारे नमक और काली मिर्च की पूरी नहीं होती है, तो वो स्वाद अनुसार हम लेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज बनाने के पहले हमें क्या करना होता है, हमें गैस ऑन करनी होती है, वही मैंने किया है। अब मैंने इसमें रखा है पैन और जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर का। मुझे पता है कैलोरीज होती है और सूप में कैलोरीज नहीं होनी चाहिए, बट टेस्ट के बिना कोई नहीं खाएगा, ना बच्चे ना बड़े, इसलिए हम डालेंगे इसमें एक बड़ा चम्मच मक्खन का। मक्खन को हमें पकाना नहीं है, हल्का सा मेल्ट होगा तब हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आंच हम धीमी कर देंगे और इसे तकरीबन 2 मिनट तक हम पकाएंगे। इसे भी हमें भूरा या ब्राउन नहीं होने देना है, हल्का सा ये पिंक होगा तब हम इसमें डालेंगे मशरूम। मशरूम और प्याज अब अच्छे से हमें मिक्स करना है और धीमी आंच पे इसको पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। कोई भी चीज को पकाने के लिए और तेजी से अगर उसे पकाना हो तो उसमें डालना चाहिए हमने नमक, वही अब हम डालने वाले हैं। इसको अच्छे से हिलाकर थोड़ी देर पकने के लिए हम इसे ढक देंगे। आइए देखते हैं हमारे मशरूम और प्याज पक गए कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज और मशरूम बिल्कुल बढ़िया पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्सर में एक पेस्ट बनाकर लाएंगे, जो बहुत पतली पेस्ट भी नहीं होगी, थोड़ी सी मोटी या दरदरी पेस्ट होगी। ये देखिए हमने मशरूम और प्याज का एक मोटा सा पेस्ट बनाया हुआ है, इसे अब हम उबालेंगे थोड़ा सा और पानी डालकर। और एक जो हमारा इंग्रेडिएंट बचा हुआ है वो है दूध, वो भी हम इसमें डालेंगे। अब यह एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना है और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। जब ये उबल जाए तो आपका मशरूम सूप बिल्कुल तैयार है। अब हमारा सूप बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। ये एक ऐसा सूप है जिसको आप सर्व करते टाइम अगर नहीं बताएंगे कि किस चीज का है तो बच्चे तो कम से कम गेस नहीं कर सकते हैं ये किस चीज का सूप है। ये देखिए ये है हमारा टेस्टी मशरूम सूप।